तो हेलो, कैसे हो भाई लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो के अंदर। सो गाइस, वंस अगेन हम लोग अपने टाउन हॉल 11 के ऊपर हैं। हीरोज को आप लोग देख सकते हो, हमारी क्वीन यहाँ पे मैक्स आउट हो चुकी है, किंग यहाँ पे मैक्स आउट हो चुका है, वार्डन अपना लेवल 14 का है, 6 लेवल और चाहिए अपने वार्डन को। एंड अभी हम लोग अपनी लैबोरेटरी की तरफ चलते हैं। अपनी लैबोरेटरी में आप लोग देख सकते हो बहुत सारे ट्रूप्स हम लोग ने यहाँ पे मैक्स आउट कर रखे हैं, जैसे कि बैलून, ड्रैगन, पेका, माइनर, इलेक्ट्रो ड्रैगन एंड स्पेल में 2-3 स्पेल हम लोगों ने यार अपग्रेड कर रखी हैं। एंड डार्क ट्रूप्स में हम लोगों ने यार 4 ट्रूप्स यहाँ पे अपग्रेड कर रखे हैं। सो यहाँ पे मेन बचे हैं गाइज गोलम एंड वॉलकेरी। एंड गाइज, इसके लिए मैंने कुछ दिनों पहले एक कम्युनिटी पोस्ट किया था, जहाँ पे गाइज 1900 वोट्स पड़ी हैं टोटल। एंड आप में से मैक्सिमम लोगों ने वोट किसको की है? वॉलकेरी को। सो आज हम लोग वॉलकेरी को ही अपग्रेड करेंगे। एंड इसको लगने वाले हैं यहाँ पे 1,50,000। एंड हमारे पास अभी कितना है? 1,43,000। एंड इसके बाद हम लोग यार करने वाले हैं यहाँ पे बेबी ड्रैगन को करें या फिर किसको? आई थिंक यार बेबी ड्रैगन सही रहेगा। गाइज, बेबी ड्रैगन एक ऐसा ट्रूप है ना जिसको यार स्टार्टिंग में कोई भी अपग्रेड नहीं करना चाहता, हालांकि यूज इस ट्रूप को यार सभी करते हैं, लेकिन अपग्रेड कोई नहीं करना चाहता। सो यार मोस्ट अंडररेटेड ट्रूप है यार ये भी। सो गाइज, आज हम लोग 2 ट्रूप्स को यहाँ पे अपग्रेड करने वाले हैं। एक तो वॉलकेरी को करेंगे एंड एक बेबी ड्रैगन को करेंगे। बेबी ड्रैगन को यहाँ पे 10 दिन लगने वाले हैं एंड यहाँ पे वॉलकेरी को लगने वाले हैं 11 दिन 12 घंटे। एंड मैजिक आइटम्स में गाइज हमारे पास बुक ऑफ फाइटिंग है जिसको हम लोग यूज करेंगे। बुक ऑफ फाइटिंग को हम लोग यार यूज़ करने वाले हैं वॉलकेरी के ऊपर, क्योंकि उसको कुछ ज़्यादा दिन लगने वाले हैं। एंड उसके बाद हम लोग यार अपने बेबी ड्रैगन को अपग्रेड के ऊपर डालेंगे। एंड आर्मी देख सकते हो यार, कौन सी आर्मी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। 2 क्लोन स्पेल यूज़ कर रहा हूँ, 16 विचेज़ हैं। एंड देखते हैं भाई कैसी फार्मिंग हम लोग यार कर पाएंगे इसके साथ, क्या हम लोग यार डार्क एलिक्सर निकाल पाएंगे या फिर नहीं। तो यार आज की इस वाली वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वरना आप लोग यार बहुत कुछ मिस कर दोगे। और हाँ यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ। नोटिफिकेशन बेल दबाने से बंदा चैनल पर फर्स्ट आता है। आज की इस वाली वीडियो पर लाइक हम करते हैं 301 लाइक का। तो चलिए गाइस, दोनों पैरों से छलांग लगाते हैं आज की वाली वीडियो की तरफ। सो हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो भी अपने को 7,000 डार्क लिक्सर और चाहिए, सो भी हम लोग अटैक के ऊपर चलेंगे। एंड आर्मी तो आप लोगों को यार पता ही है, 16 विचेज मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। एंड गाइज, अपने को एटलीस्ट यार 4,000 डार्क लिक्सर तो चाहिए यार, इस बेस के ऊपर भी नहीं कर पाऊँगा यार मैं, नहीं इसके ऊपर भी नहीं। सो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। क्या इसके ऊपर? नहीं 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 भाई, इसके ऊपर भी नहीं। ओ भाई साहब, इसके ऊपर डार्क लिक्सर देखो यार, 3,923। क्या अपने को इस बेस के ऊपर अटैक करना चाहिए? डार्क लिक्सर तो गाइस बहुत ज़्यादा है एंड हमारे लिए अच्छा है यार। सो आई थिंक यार हमें इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। 16 विचेज, 2 क्लोन स्पेल यूज़ कर रहा हूँ मैं। एंड ऐसा करता हूँ, इस तरफ से मैं डाल देता हूँ। एंड 5 विचेज इस तरफ, 5 इस तरफ आ जाएगी। एंड पीछे से इधर से मैं डाल देता हूँ अपनी सारी की सारी विचेज। ठीक है गाइस, सारी की सारी विचेज डाल दी, हिलर्स डाल दी पीछे मैंने, वो रिकर आ जाएगा यहाँ पे। किंग, क्वीन, वार्डन, ओके गाइस, वार्डन भी हम लोगों ने यार यहाँ पे डाल दिया है। एंड पहली रेस पहले आ जाएगी यार यहाँ पे सिंगल टारगेटेड, यहाँ पे इन्फर्नो जैन, सो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एंड यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ मैं एक क्लोन स्पेल, ठीक है, क्लोन स्पेल, अरे क्लोन स्पेल, हाँ क्लोन स्पेल हम लोगों ने यार यूज़ कर दी है। एंड पता ही नहीं चल रहा भाई साहब हम लोगों ने यार क्लोन स्पेल को यूज़ किया है या फिर नहीं। वो रिकर तो भाई साहब काफ़ी अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे। एंड भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, क्या हम लोग डार्क लिक्सर निकाल पाएंगे? वार्डन की एबिलिटी मुझे यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। क्वीन किस तरफ जा रही है भाई साहब ये? क्वीन 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 एंड टाउन हॉल डाउन हो गया। सो यहाँ पे 344 डार्क लिक्सर हो रहा है गाइस, क्या ये निकल पाएगा? अपने को डार्क लिक्सर गाइस सारा का सारा चाहिए। ओके गाइस, तो डार्क लिक्सर हम लोग ने यार यहाँ पे सारा का सारा निकाल लिया। 3 विजार्ड्स हमारे पास बचे हुए हैं, इनको मैं इस तरफ डाल देता हूँ। क्वीन की एबिलिटी अभी भी हमारे पास पड़ी हुई है। किंग यहाँ पे डाउन हो चुका है, वार्डन की हेल्थ फुल हो चुकी है, क्वीन के पास एबिलिटी पड़ी हुई है 58%। हम लोग ने यार निकाल दिया, 100% नहीं निकल पाएगा भाई साहब, 100% तो नहीं निकल पाएगा। लेकिन भाई साहब अपने को जो चाहिए था ना वो चीज़ अपने को मिल चुकी है। एंड विचिज, मास विचिज हम लोग ने यार यूज़ की एंड ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहा हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम लोग ने यार डार्क लिक्सर यहाँ पे निकाल लिया भाई साहब सारा का सारा। सो यहाँ पे मैं क्वीन की एबिलिटी यूज़ कर देता हूँ। क्वीन की एबिलिटी यूज़ करके एंड बैटल कर दूँ क्या? क्या बोलते हो गाइस? एंड बैटल कर ही देता हूँ यार, क्योंकि अपना जो इन्फर्नो नहीं इग्लाटली जो है ना वो लॉक हो चुकी है अपने क्वीन के ऊपर, सो इसलिए मैंने एंड बैटल कर दिया। सो गाइस ये था अपना पहला अटैक। सो भी हम लोग एक और अटैक करेंगे एंड जैसे ही अपने पास अपने हीरोज आ जाएंगे ना उसके बाद हम लोग अटैक पे चलेंगे। सो गाइस हीरोज अपने रेडी हैं, सो भी हम लोग अटैक के ऊपर चलेंगे। किंग रेडी है, क्वीन रेडी है, वार्डन अपना रेडी है। एंड ये सीसी मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ भैया? सो भी हम लोग अटैक के ऊपर चलते हैं एंड अपने को 4,000 डार्क लिक्सर और चाहिए।
क्या इस बेस के ऊपर अटैक करें गाइस 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 3976 यहाँ पे डार्क लिग्जर है एंड हाँ इसके ऊपर अटैक करेंगे हम लोग यार, मजा आएगा। डार्क लिग्जर तो यार बहुत अच्छा है, लिग्जर भी अच्छा खासा है। इस तरफ से मैं किंग डालता हूँ, इस तरफ से क्वीन डालता हूँ फनर क्रिएट करने के लिए, ताकि जो अपनी विचेज है ना वो सीधा वेस के कोर में जाए। एंड इस तरफ से मैं अपनी सारी की सारी विचेज डाल देता हूँ। तीन विजार्ड्स हमारे पास वोटन डाल दिया, तीनों के तीनों विजार्ड डाल दिए मैंने यहाँ पे, बॉलर्स भी डाल देता हूँ। एंड सीसी में हमारे पास क्या है इस बार, हीलिंग स्पेल। एंड लेट्स सी गाइस, यहाँ पे पहली रेस स्पेल आ जाएगी अपनी, 21% क्वीन की एबिलिटी मुझे यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। ओके गाइस, तो यार अभी तक तो अटैक एकदम सही चल रहा है एंड मैंने सारी की सारी रेस स्पेल यार यहाँ पे यूज़ कर दिया, क्लोन स्पेल भी मैंने यूज़ कर दिया। सिर्फ यहाँ पे हमारे पास एक हीलिंग स्पेल बची हुई है, एक फ्री स्पेल बची हुई है। हीलिंग स्पेल को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। एंड हमने क्या हीलिंग स्पेल यहाँ पे गलत डाल दी। ओ भाई आ जाओ यार हीलिंग स्पेल के अंदर। सो गाइस 50% हम लोग ने यार निकाल लिया यहाँ पे एंड टाउन हॉल भी यार यहाँ पे डाउन हो जाएगा। सो यहाँ पे गाइस अपने को सारा ओके गाइस 150,000 हमारे पास यहाँ पे डार्क लिग्जर हो चुका है, यानी कि हम लोग अपनी वोल्केरी को अभी अपग्रेड के ऊपर लगा सकते हैं। सो 60% 61% एक फ्री स्पेल वही बचा हुआ है। क्या ये बेस्ट ट्रिपर निकल सकता है गाइस, क्या लगता है गाइस ट्रिपर निकलेगा? ओ माई गॉड भाई साहब, इधर देख रहे हो कितने ज़्यादा स्केलीज चल रहे हैं यार, इस तरफ बहुत ज़्यादा स्केलीज हैं। आई थिंक यार अपनी 10 से 12 विचेज तो इस तरफ चल रही हैं अभी भी। सो बॉयज ये बेस्ट ट्रिपर निकल जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, ये बेस्ट ट्रिपर निकल जाएगा। हिलर्स वहाँ पे क्या कर रही है यार, हमारे पास फ्री स्पेल है, फ्री स्पेल को कहाँ पे यूज़ करूँ मैं? आई थिंक लास्ट वाले बम टावर पर मुझे यूज़ करना चाहिए यार फ्री स्पेल को। तो 81% हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया है एंड अभी तक यार अटैक एकदम सही चल रहा है। ओ माई गॉड, निकालो भाई स्केलीज, देखो यार स्केलीज की स्पीड, भाई साहब क्या स्पीड है यार स्केलीज की। स्प्लैश डैमेज करने वाला सिर्फ यहाँ पे एक बॉम टावर बचा हुआ है, जो कि थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है अपने स्केलीज को। 94% हम लोगों ने निकाल लिया, 95% यहाँ पे निकल चुका है। ठीक है गाइस 97 एंड यहाँ पे मैं फ्रीज कर देता हूँ यार बॉम टावर को। एंड क्या अपने स्केलीज डाउन कर पाएंगे उसको? ओ माई गॉड, स्केलीज ने यार डाउन कर लिया बॉम टावर को ही। सो गाइज हम लोगों ने यार यहाँ पे डार्क लिग्जर निकाल लिया, सारा का सारा 3-स्टार भी निकल गया। सो अभी हम लोग यार फटाफट से अपनी लाइब्रेटरी की तरफ चलते हैं एंड अभी हम लोग यार सबसे पहले क्या करने वाले हैं, वोल्केरी को लेवल 7 का करेंगे। एंड ये डाल दिया मैंने अपग्रेड के ऊपर एंड ये यूज़ कर देता हूँ मैं यहाँ पे बुक ऑफ फाइटिंग। सो गाइज अपनी वोल्केरी लेवल 6 की हो चुकी है एंड अभी हमारे पास एलिक्सर बहुत है, तो अभी ऐसा करते हैं बेबी ड्रैगन को भी डाल देता हूं मैं लेवल 6 के लिए। सो गाइज आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड फाइनली गाइज हम लोगों ने अपनी वोल्केरी को भी लेवल 7 का कर लिया है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप यार आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर गाइज 1% वीडियो अच्छी लगी है ना, फटाफट से सब्सक्राइब करो, 15,000 सब्सक्राइबर के हम लोग यार बहुत ज़्यादा नजदीक हैं। सो प्लीज यार सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो गाइज आज की सोली वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।